चलो तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. व्हाट आर माइक्रोब्स? हम सब जानते हैं माइक्रोब्स क्या है. माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और हर जगह प्रेजेंट होने वाली प्रॉपर्टी को कॉस्मोपोलाइटन भी बोला जाता है. ध्यान रखोगे कॉस्मोपोलाइटन, हर जगह मिल जाएंगे आपके. अभी भी आपके बॉडी के ऊपर पता नहीं कितने माइक्रोब्स होंगे, कितने वायरस होंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे, कितनी फंगस होगी हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है. सॉइल में, वॉटर में, एयर में, इनसाइड अवर बॉडी एंड आउटसाइड अवर बॉडी. आउटसाइड आउटसाइड पक्का, कितना भी हाथ धो लो है प्रेजेंट है, ठीक है. एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. ऐसी जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पर दूसरी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती. माइक्रोब्स में मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है. बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, वायरस एंड अ सॉर्ट ऑफ कुछ परसेंट एल्गी. एल्गी एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है. बहुत सारी एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है. बहुत सारी तो दिखती है आप लोगों को, और बहुत सारी आपने 11th क्लास में पढ़ी है जो नहीं दिखती. इनके स्पोर्स वगैरह जो होते हैं ना, जू स्पोर, और वो हमको नहीं दिखते हैं भाई, ठीक है, हम नहीं देख सकते उनको, ठीक है. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. और हाँ, एक आता है अमीबा, ठीक है, पैरामेशियम. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है. तो ये हर जगह हो सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर नॉर्मल लाइफ नहीं रह सकती, जैसे गीजर्स, नेचुरल गीजर्स जो हैं, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, थर्मल वेंट्स, वहां पर हो सकते हैं. टेम्परेचर 100 डिग्री, नॉट 1000 डिग्री, 1000 पे तो मरी जाएगा, 100 डिग्री पर हॉट स्प्रिंग जो होती है ना, जहां से गर्म, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हॉट स्प्रिंग, वहां प्रेजेंट है. डीप इन सॉइल बहुत ज्यादा सर्दी, ग्लेशियर्स में मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग पे मिल जाएंगे, सोयल में मिल जाएंगे, बॉडी पर मिल जाएंगे. आपके मोबाइल तो इतना कंटामिनेटेड है, मोबाइल पे इतना कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन इतना है मोबाइल पे, हद से ज्यादा कंटामिनेशन आपके मोबाइल पे. इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि सही बात तो ये कि टॉयलेट सीट पर भी इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है. स्नो, ठीक है, स्नो स्नो ग्लेशियल्स के अंदर मिल जाएंगे, सेवरल मीटर्स थिक जो ग्लेशियल्स होती है उनके नीचे मिल जाएंगे. और हाईली एसिडिक, आपने नहीं पढ़ा था भाई 11th क्लास में, बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थर्मोबैक्टीरिया एंड हेलोफाइल्स एंड ये सारे नहीं पढ़े थे आप लोगों ने, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दूसरा, कौन कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी किंगडम से रिलेटेड है. देखो, सबसे पहले तो रिलेटेड है हमारे मोनेरा से, ठीक है. मोनेरा में क्या आते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया, याद करो, ठीक है. इसके बाद आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में क्या था, प्रोटिस्टा में था अमीबा, ठीक है, युगलिना, ठीक है, डायटम्स, ठीक है, ये सारे थे. पैरामेशियम था, ठीक है, और वो जो मलेरिया कॉज करता है, सोचो कौन सा था मलेरिया कॉज करता है, ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है. टाइफॉइड वाले जितने भी थे, ये साल्मोनेला टाइफी और ये सब बैक्टीरिया में आते हैं. मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, ये सारे. इसके बाद आते हैं फंगस में, ठीक है. फंगस एक किंगडम है, मोनेरा एक किंगडम है, प्रोटिस्टा एक किंगडम है, फंजाई एक किंगडम है. फंजाई में बहुत सारी फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करती है या छोटे होते हैं दिखने में और हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है. अब बहुत कम मैं बात कर रही हूँ प्लांट किंगडम में जो एल्गी होती है. एल्गी भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है. एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारी एल्गी नहीं, कुछ एल्गी जो यूनिसेलुलर होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. एंड एक अलग ही किंगडम है जो हमने विटकर में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन वायरस हमने पढ़ा है. वायरस विटकर की किसी भी क्लासिफिकेशन में वायरस नहीं आता, हमको पता है, वायरस अलग ही था, है ना. वायरस हमने अलग से पढ़ा था,
विटकर में नहीं था, बट वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट. सो ये किंगडम्स याद रखोगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मीन्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, हमको माइक्रोस्कोप किया, हमको किसी और दूसरी हेल्प की जरूरत होगी. किंगडम याद रखना, मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, डाइटम्स, वो पांच कैटेगरीज नहीं पड़ी थी, डायनोफ्लेजिलेट्स और वो सारी, ठीक है, फंगस, सारी फंगस नहीं लेकिन कुछ फंगस हमें दिखाई नहीं देती है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, कुछ देख सकते हैं मशरूम वगैरह, कुछ फंगस नहीं देख सकते, एल्गी कुछ दिखाई देती कुछ नहीं, एंड फाइनली वायरसेस. ये पांच किंगडम्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, वही बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट. माइक्रोस्कोपिक प्लांट कौन से बेटा? माइक्रोस्कोपिक प्लांट एल्गी, ध्यान रखोगे, बाकी तो सारे दिख जाते. एल्गी भी सारे दिख, कुछ एल्गी नहीं दिखती क्योंकि कुछ एल्गी होती है यूनिसेलुलर, वो माइक्रोस्कोपिक है, और कुछ एल्गी जो होती है वो होती है मल्टी सेलुलर, ठीक है. तो मल्टी सेलुलर एल्गी तो हमने देख रखी है ना, कारा एंड ये सब तो हमने देख रखी है, कुछ हमको नहीं दिखती है, वॉलवॉक्स वगैरह जो हो गई, इस तरीके की एल्गी जो है हमको नहीं दिखती है, ठीक है. तो क्लेमाइडोमोनास और ये सारी एल्गी जो हमको नहीं दिखती वो यूनिसेलुलर, ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ी थी ये कैटेगरीज, वायरस, वायरॉइड्स और प्रेयॉन्स, ठीक है. ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, एक मिनट में बता रही हूँ. वायरस क्या होता है? वायरस बहुत टाइनी होता है, ऊपर होता है प्रोटीन का कोट, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए और आरएनए. ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वायरस ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, बाकी सब में डीएनए है, इसमें आरएनए हो सकता है. अब ये ध्यान रखना, डीएनए आरएनए एक साथ नहीं होगा, या तो आरएनए ही होगा या डीएनए ही होगा, लेकिन आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बाकी सब में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये 11th क्लास का है, ठीक है. वायरॉइड्स क्या होते हैं? सिर्फ ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए जिसकी सिंगल स्ट्रैंड है, इसके ऊपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, नो प्रोटीन कोट. ये सब इंफेक्शियस है, भयंकर बीमारियां फैलाते हैं, इन्फेक्शियस है तीनों, ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरॉइड्स, नो प्रोटीन कोट, ठीक है. ये आपने पढ़ा था, डाइनर ने, टीओ डाइनर ने 1970 में डिस्कवर करा था इसको, टोबैको मोजेक था, ये इस तरीके की डिजीज कॉज कर रहा था, ठीक है. और प्रेयॉन्स जो होते हैं दे आर ओनली प्रोटीनेशियस, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, तीनों बीमारियां देते हैं. अब ये तीनों हद से ज्यादा छोटे हैं, सबसे छोटे वायरस प्रोटीन एंड जेनेटिक, बाहर प्रोटीन अंदर जेनेटिक मटेरियल विच कुड बी ऑफ डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, ओके. वायरॉइड्स आर जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, नो प्रोटीन कोट, ठीक है, इन्फेक्शियस. एंड प्रेयॉन्स आर ओनली प्रोटीनेशियस, नो डीएनए एंड आरएनए. ये हमने पढ़ लिया था 11th क्लास में, ठीक है. तो ये सारे क्या है भाई? माइक्रोब्स हैं, और अभी तुम्हारे ऊपर मिलियंस में माइक्रोब्स हो सकते हैं, आपके स्किन पर, आपके गट में, बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके मोबाइल कवर पर, आपके पास जो करेंसी है उस पर भयंकर हो सकते हैं. जितने भी हमने पढ़े ना अभी अभी तक जितने भी पढ़े, ये सारे तुम्हारी बॉडी पे हो सकते हैं, ठीक है. वो बाकी जो जो है वायरॉइड्स एंड प्रेयॉन्स, वो वायरस की कैटेगरी में ही फॉल होते हैं. चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर कॉलोनीज, ठीक है. ये कॉलोनीज तुम देख सकते हो, और ये फोटो मैंने तुमको बताया है, ये इस तरीके की कॉलोनीज होती है. देखो बेटा ये कॉलोनी है, ठीक है, ये पहले भी मैंने बता दिया है. ये कॉलोनी आप किसकी ग्रो कर सकते हो? सबसे पहले तो आप कॉलोनी ग्रो कर सकते हो बैक्टीरिया की, और आप कॉलोनी ग्रो कर सकते हो फंजाई की, ठीक है. कैसे ग्रो करोगे? एक न्यूट्रिटिव मीडिया लोगे, न्यूट्रिटिव मीडिया. 11th क्लास में एक न्यूट्रिटिव मीडिया पढ़ा था, अगार अगार, अगार अगार पढ़ा है. ये ध्यान रखना कौन सी एल्गी से निकल रहा था अगार अगार, क्लिक करो नहीं तो देख लेना, ठीक है. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगार अगार कहां से निकल रहा था. एक होता है कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, ठीक है, कोकोनट मिल्क, ठीक है. ये न्यूट्रिटिव मीडिया है. इस न्यूट्रिटिव मीडिया क्या करते हैं, ये जो आपको कटोरी दिख रही है, ये लैब की कटोरी है, इसका नाम है पैट्री डिश, लैब की कटोरी, ठीक है. लैब में हमारी कटोरियां काम में नहीं ले सकते, ये वाली, ये प्लास्टिक की. क्या करते हैं,
थोड़ा सा न्यूट्रिटिव मीडिया डाल दो, थोड़ा सा न्यूट्रिटिव मीडिया, न्यूट्रिशन है, ताकत होती है इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा एक एक पिंच इसकी डाल दो, बस ये डाल दो, इसका थोड़ा सा डाल दो, हल्का सा लिया और इस तरीके से कहीं से उठाया मैंने, कहीं से मैंने पिक करा बैक्टीरिया या फंगस और इस खाली पर ऐसे 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 घुमा दिया हल्का सा, और ये इतनी सारी कॉलोनीज बन जाती है। तो बैक्टीरिया और फंगस को हम कॉलोनीज में डेवलप कर सकते हैं, किसमें, कॉलोनीज में, बहुत सारी कॉलोनीज है, देखो ये एक कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी तो देख सकते हैं, पर इसमें मिलियंस में है, एक कॉलोनी में मिलियंस में, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, एक को कॉलोनीज आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है, कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, ये ध्यान रखो, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन पूछे क्या नेकेड आईज से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, तब मिलियंस में कॉलोनी होनी चाहिए, तब नेकेड आईज से, एक को तो आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते, ये अकेला है, अकेला नेकेड आईज से नहीं देखा जा सकता, कॉलोनी देख सकते हो आप आराम से, ये कॉलोनी, ठीक है, फंगस की कॉलोनी भी बताती हूँ, देखो फंगस की कॉलोनी कहाँ गया भाई, फंगस आ जा, ये देखो ये जो है ना, ये दिख रही है, ये फंगस है, फंगस की कॉलोनी है, ठीक है, तो ये फंगस है, इस तरीके से आप इनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे हाँ देख सकते हैं, कॉलोनी में होने चाहिए। चलो ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये थोड़ा सा यहाँ पर रफ है, आपकी बुक का है, ये डायग्राम है बेटा बैक्टीरिया का, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये रोड शेप बैक्टीरिया है, ये रोड शेप बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, दो ही बैक्टीरिया की शेप आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, कॉकस एंड वो सारे, ये रोड शेप है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, इसको 1500 टाइम्स पढ़ा करा गया है, ये आपकी बुक का है, बुक में आप देख लेना, ठीक है, और ये जो रोड शेप है, ये रोड शेप है, ठीक है, ये दिखा रहा है फ्लैजिला, क्या दिखा रहा है, देखो फ्लैजिला, फ्लैजिला तो होता ही है रोड शेप बैक्टीरिया में, ठीक है, दूसरा जो हमारा डायग्राम है ये हमारा वायरस का डायग्राम है, ये याद करो वायरस का ये डायग्राम था, ये वायरस नहीं पढ़ा था ऐसे, टेडपोल, इसके छह टांगे थी, ये स्प्रिंग थी यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है, ये इसका प्रोटीन कोड था, और इसके अंदर मटीरियल, वायरस है, वीरियन वायरोइड्स नहीं है, डिपेंड करता है वीरियड होगा या वायरन होगा, तो ठीक है, ये कौन सा शेप का वायरस, ये को, ये तो हमारा पॉली है, ये हमारा वो था पॉलीगोनल पॉलीहेड्रल सॉरी, ठीक है, ये बहुत सारे हेड वाला था, ये नॉर्मल वायरस था, ये अपना एनसीईआरटी का ही है, सेम वही है, टेल कॉलर हेड वायरस का डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम, ये कौन सा था अपना बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर जाने वाला वायरस था, ठीक है, पढ़ा था ना, ये इतना जेनेटिक मटेरियल ऐसे बैक्टीरिया में डाल देता है इंजेक्शन जैसे, ठीक है, ये रोड शेप का वायरस है, ये वायरस कौन सा है, रोड जैसा वायरस है, ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरियोफेज है, दिस वन इज बैक्टीरियोफेज और दिस वन इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दूसरा जो वायरस है आपके बी वाला, ये वाला जो वायरस है, ठीक है, ये तो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज हमेशा ध्यान रखना इसकी वो छह लेग्स होगी, छह टांगे होती है इसकी बैक्टीरियोफेज की, ये बैक्टीरियोफेज ऐसा ही दिखता है, सारे बैक्टीरियोफेज ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है, ये जो वायरस है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला वायरस है एडिनो वायरस, कौन सा है, एडिनो वायरस, ठीक है, और ये वायरस क्या कॉज करता है, ये वायरस कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब देखो बेटा क्वेश्चन आता है कि एडिनो वायरस कौन सा बीमारी कॉज करता है, हमने तो एडिनो वायरस पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने डायग्राम ध्यान से देखा ही नहीं, तो ये एडिनो वायरस है और ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में डिजीज कॉज करता है, ये नहीं छोड़ना है, ये चीजें, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाती है, पास तो सब हो जाते हैं, है ना, पास तो हर कोई हो सकता है, 60-70% तो हर कोई लेके आ सकता है, पर जहां हमारे हम 95 ऊपर जाना चाहते हैं वहां ये चीजें ध्यान रखो, ये एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, ये रोड शेप है, ठीक है, कौन सा वायरस है, टोबेको मोज़ेक वायरस। अब क्वेश्चन आ गया कि भैया टोबेको मोज़ेक वायरस का शेप क्या होता है, टोबेको मोज़ेक वायरस रोड शेप का होता है, आज तक तो हमने नहीं पढ़ा था रोड शेप का होता है 11th में, यहाँ ये कह रहा है टीएमवी रोड शेप का होता है, तो यहाँ हमने तीन चीज सीखी, बैक्टीरियोफेज तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, ये बैक्टीरियोफेज है, फिर हमने पढ़ा एडिनो वायरस रेस्पिरेशन कॉज करता है डिजीज, है ना, एडिनो वायरस रेस्पिरेशन की बीमारी कॉज करता है, हमने नई चीज सीखी, और हमने सीखी टोबेको मोज़ेक वायरस किसी शेप का होता है, रोड शेप का होता है, रोड जैसा दिखता है, ये रोड जैसा, ठीक है,
ठीक है, ये हमने नया सीखा है। चलो नेक्स्ट हम कॉलोनीज देख लो बेटा, कॉलोनीज फंगल कॉलोनी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ये पेट्री डिश है और यहाँ पर आ गया बैक्टीरियल या फंगल, दोनों, बैक्टीरिया की कॉलोनी भी उगा सकते हो, फंगस की कॉलोनी भी उगा सकते हो। किसकी कॉलोनी नहीं उगा सकते बाहर, वो है वायरस। वायरस बाकी सबको भी बाहर ग्रो कर सकते हो, एक चीज दिमाग में बिठा लेना, पहले भी बोला है वायरस सिर्फ किसी लिविंग की बॉडी में ही लिविंग होता है, वायरस को ऐसे बॉडी से बाहर तुम ग्रो नहीं कर सकते। कोई भी वायरस जो किसी लिविंग की बॉडी से बाहर है, ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बॉडी से हमारी बाहर है तो वो डेड है, वो कुछ डेड जैसा बॉडी के अंदर जाते ही लिविंग हो जाएगा। तो ये फंगल कॉलोनी है, बैक्टीरिया कॉलोनी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी और ये फंगल कॉलोनी है, ठीक है। ऐसे देख के पता नहीं लगा सकते कि बैक्टीरिया की है फंगस की, वो तो टेस्ट करना पड़ता है, पर दो ही हम ग्रो कर सकते हैं। वायरस को हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते, मैंने बार बार बताया है, मैं फिर बता रही हूँ, आर्टिफिशियल ग्रो नहीं कर सकते हैं वायरस को, ध्यान रखना। वायरस कभी, बाकी सब आप बाहर ग्रो कर सकते हो, बाहर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिंदा है ये, मान के आप फंगस पे, बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ पे, एल्गी पे, बाहर आप इनको कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसको तो कभी, वायरस को तो कभी ग्रो नहीं कर सकते। एल्गी को पेट्री डिश में ग्रो नहीं करना पड़ता, आराम से वैसे ही बाहर ग्रो हो जाती है, उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। बाकी जो पैरामीशियम और ये वो तो पॉन्ड वाटर में और वैसे आराम से मिल जाएंगे, ग्रो भी कर सकते हो आप चाहो तो, इनको पॉलीफ्रेट कर सकते हो लैब में, लेकिन वायरस लैब में जिंदा नहीं रहता, वायरस तो मरा हुआ है बॉडी से बाहर। तो वायरस की कॉलोनी कभी आए, ठीक है, वायरस की कॉलोनी देखी भाई हमने पेट्री डिश में, या हमने जिंदा वायरस की कॉलोनी देखी पेट्री डिश में, ऐसे बाहर लिविंग सिस्टम से बाहर, वो गलत है, वो आपका पूरा जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो ही गलत है। चलो ये हो गया। अब माइक्रोब जो है वो बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं, हमें पता है, आज तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज ही फैलाते हैं, लेकिन आज इस चैप्टर में, इस चैप्टर का क्या नाम है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या फायदे देते हैं, तो हम फायदा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में ली जाने वाली चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोबैसिलस, ठीक है बेटा, इसको इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है, इटैलिक्स में लिखना है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको, आपको इटैलिक्स में लिखना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क से क्या बनाता है, कर्ड, सबको पता है, हर आदमी को पता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है मिल्क से कर्ड, यहाँ ये अपना मिल्क है, ठीक है, यहाँ पर अपना कर्ड है, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना रहा है, लैब बना रहा है, ठीक है, सबको पता है। क्या क्या करेगा, देखो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ये कोएगुलेट करता है, कोएगुलेट करता है मतलब जमा देता है, एक तो इसलिए दही गाढ़ा और जमा जमा दिखता है आपको, ठीक दिखता है ना, दूध जैसा नहीं दिखता, एक तो प्रोटीन को कोएगुलेट करता है, पहली चीज, ठीक है। जैसे हम दूध पीते हैं ना, उसके बाद हमारी बॉडी में जाके भी जो दूध है वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जो दूध को जमा देते हैं। दूसरा, दूध में पहले से ही जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको पहले से ही डाइजेस्ट भी कर देता है थोड़ा सा, इसलिए दही डाइजेशन में आसान होता है, ठीक है, एक तो कोएगुलेट कर रहा है, ठीक है, और उसको एक तो कोएगुलेट कर रहा है मिल्क को, प्रोटीन को कोएगुलेट कर रहा है, और एक पहले से ही क्या कर दे रहा है, डाइजेस्ट कर दे रहा है ये। तो हम जब कर्ड खाते हैं तो कोएगुलेट फॉर्म में मिलता है और पहले से डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलता है, इसलिए कर्ड ज्यादा आसान है डाइजेशन करने में, कर्ड खा रहे हो तो डाइजेशन करने में ज्यादा आसान है, मिल्क कंपेरेटिवली डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। साथ में एक और चीज करता है, वो ये कि दही में विटामिन B12 ऐड कर देता है, कौन, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये तीन चीज कर रहा है, ठीक है, तब जाकर के ये कर्ड बनता है। तो ये हमारे फायदे का है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ध्यान रखोगे विटामिन B12 इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्या क्या और काम कर रहा है, कोएगुलेट कर रहा है प्रोटीन्स को और डाइजेस्ट भी कर रहा है प्रोटीन्स को, तो हमारे लिए तीन फायदे हो गए। क्वेश्चन आ गया मिल्क से दही खाना कई बार प्रिफर किया जाता है, वाई सो, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, कम कुछ नहीं कर रहा है ना, कम कुछ नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है और पहले से डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरा, ये मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, एक क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है,
ये बैक्टीरिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड है ये माइक या जो ये बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इन्होंने लैक्टिक एसिड बना लिया तो वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम में आते हैं, ठीक है। तो देखो, रिसर्च टेस्टेड एंड फाउंड प्रोमिसिंग एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आपने अभी पढ़े हैं, वायरस बैक्टीरिया फंगस, और एंटी मतलब उनको किल करने वाला, किसमें, लैक्टिक एसिड में ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती हैं। तो लैक्टिक एसिड में एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, ऐसा कुछ होता है लैक्टिक एसिड में जो दूसरे बैक्टीरिया को मार दे, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को खुद को नहीं मारेगा, इसी का तो प्रोडक्ट है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है, दूसरी फंगस को किल कर देगा, दूसरे वायरस को किल कर देगा, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो रहा है देखो, ये सब तुम्हें याद नहीं करना है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सिर्फ इतना याद रखना कि किल कर देता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बनाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, प्रोड्यूस कर सकता है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर है, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के जैसे काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि नॉन टॉक्सिक है, यानी टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। एंटी फंगल, फंगस को मार सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं बेटा, ठीक है, सिर्फ लैक्टिक एसिड ही प्रोडक्ट नहीं है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। लैक्टिक एसिड तो मिल्क का काम करने में काम आता है, बहुत सारे काम में आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, न्यूमरस प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना सकता है। तो किस किस को मार रहा है देखो, क्लीनिंग एजेंट के जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंटी फंगल, ठीक है, बैक्टीरियोसिन्स बनाता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आ सकता है, एसिटिक एसिड बना रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंटी फंगल कंपाउंड बना रहा है और दूसरे बैक्टीरियोसिन्स बना रहा है, तो सबको ये मार सकता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ध्यान रखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड के अलावा भी बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बनाता है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोकता है, कहाँ रोक सकता है, फूड में, सरफेस पर, स्किन पर इन्फेक्शन हो गया तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रोडक्ट काम में ले सकते हो, बहुत सारे बैक्टीरियोसिन्स काम में ले सकते हो, ठीक है। कैसे करता है ये, दूसरे सेल बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन खत्म कर देता है, क्या खत्म कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, दूसरे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन खत्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो, व्हाट बैक्टीरिया एंड वायरस कैन लैक्टिक एसिड किल, लैक्टिक एसिड किस किस बैक्टीरिया को मार सकता है, लैक्टिक एसिड मार सकता है साल्मोनेला टाइफेरियम, ठीक है, फूड पॉइजनिंग करता है ये, और एस्चेरिशिया कोलाई, इनको मार सकता है, दूसरा किसको मार सकता है ये, बहुत सारे वायरस को मार सकता है, जैसे राइनो वायरस को मार सकता है, कोल्ड क्रिएट करता है, और सर्टन टाइप कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस कई तरीके का हो सकता है, ये एक चल रहा है ये नहीं है, बहुत सारे तरीके के कोरोना वायरस है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज्यादा मत, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स सीक्रेट करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट याद रह जाए तो ठीक है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन परोक्साइड, एंटी फंगल कंपाउंड एंड बैक्टीरियोसिन, ये चार चीजें क्रिएट कर रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स लैक्टिक एसिड भी बनाएगा, ऑफ कोर्स लैक्टिक एसिड भी बनाएगा, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन परोक्साइड और ये बैक्टीरिया वायरस और फंगस को किल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब हम आ रहे हैं बेटा फर्मेंटेशन पर, तो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, देखो आपने इडली खाई है, आपने ब्रेड खाई है, आपने डोसा खाया है, आपने पेस्ट्रीज खाई है, ठीक है, ये एकदम फ्लफी होती है ना, फ्लफी होती है, फूली फूली, फ्लफी क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर एक गैस भरी होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस भरी हुई है, ये देखो, ये जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ये इस तरीके से इसके अंदर ये गैस के बबल्स, ये जो बबल्स तो तुमको दिख रहे ना, ये जो बबल्स आप देख रहे हो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, ठीक है, ये, ठीक है, ये, और ये जो बबल्स आप देख रहे हो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्लफीनेस के लिए, ठीक है, वो फ्लफीनेस किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उस फूड में आती है बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक
ठीक है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये एक मोड है रेस्पिरेशन का। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना फर्मेंटेशन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो मैं फर्मेंटेशन से CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। फ्लफीनेस जो आ रही है खाने में, पेस्ट्रीज हो, डो हो, इडली हो, डोसा हो, व्हाटएवर, ठीक है, कोई कोई ड्रिंक्स में भी। सो फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, एल्कोहल में भी होता है, यस एल्कोहल भी प्रोडक्शन होता है। फर्मेंटेशन इज कंजप्शन ऑफ शुगर, इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड इट इज बैक्टीरियल प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो मैं आपको दो चीज बता देती हूँ, देखो बेटा ये फर्मेंटेशन है, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि टॉपिक हमको फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ने का टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने का है। ये 11th में पढ़ा है, फर्मेंटेशन दो तरीके की होती है, एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल और CO2 बनता है, इथेनॉल पता है ना क्या है, एल्कोहल वही PK2 लोदा वो वाला एल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और CO2 एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन में बनती है लैक्टिक एसिड। आगे बात समझ में, दो तरीके की फर्मेंटेशन है, एक फर्मेंटेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन पे ही जाएगा और CO2 प्रोड्यूस करने वाला भी फर्मेंटेशन पे ही जाएगा। फर्मेंटेशन की खासियत ये होती है कि ये होती है एनरोबिक। रेस्पिरेशन से फर्मेंटेशन में क्या फर्क है, हमें रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, मैं जस्ट एक रिविजन दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोगों को, ठीक है, ये टॉपिक रिलेवेंट ही नहीं है फिलहाल तो, बट बता रही हूँ, ठीक है, एनरोबिक है। सो रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में जरूरत होती है ऑक्सीजन की जो हम कर रहे हैं, ठीक है, और फर्मेंटेशन जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं बहुत सारे फंगस और फर्मेंटेशन करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब ये एनरोबिक है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं फर्मेंटेशन में, एक तो एल्कोहल और CO2 और एक बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें क्या बनेगा, इथेनॉल और CO2, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वही एल्कोहल इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, किस किस में होता है, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ फंगस यीस्ट में, जिसमें एल्कोहल और CO2 बनेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस किस में होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया में और हमारे अंदर, आपको पता है ना हमारी मसल्स में ज्यादा बिना बिना ऑक्सीजन के, कई बार हम कम ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड बनती है जो क्रैम्प्स क्रिएट करती है, दर्द क्रिएट करती है, ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे को दर्द होने लग जाता है, कम ऑक्सीजन है और काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट तो दर्द हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। ये वाली जो फर्मेंटेशन है ये कुछ बैक्टीरिया में होती है और कुछ यीस्ट में होती है जिसमें एल्कोहल बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाली फर्मेंटेशन है ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, ठीक है, और हम ह्यूमंस और एनिमल्स वगैरह, हम नॉर्मल रेस्पिरेशन पर भी जाते हैं बट कई बार हम फर्मेंटेशन भी कर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो चलो फर्मेंटेशन के मोड पर चले जाएं तो फिर वो क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, ठीक है, याद रखना है, एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से तो पूरा याद रखना है बेटा जो तुमने 11th में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से या अभी इसको समझने के लिए बस इतना काफी है, ठीक है, दो चीज ध्यान में रखनी है। अब फर्मेंटेशन के लिए दो ही चीज है, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए दो तरफ से जाना है, या तो जाना है फर्मेंटेशन के लिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या जाओगे फर्मेंटेशन के लिए एल्कोहलिक में बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल और CO2, और लैक्टिक एसिड वाले फर्मेंटेशन में बनेगा, ऑब्वियस बात है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं और कुछ फंगस भी करती है, और ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं और कुछ हायर ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, और दोनों में एक ही खासियत है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनरोबिक, ठीक है, चलो
अब ये देखो ये जो डो है ठीक है, ये ब्रेड बनने से पहले का बहुत फूल जाता है, ये ब्रेड बनने से पहले का है, तो इसमें क्या करते हैं कि हमको चाहिए भाई सीओ टू, क्योंकि फूलाना, ये बबल्स दिख रहे होंगे तुमको है ना, ये बबल्स दिख रहे हैं, ये सीओ टू फूल लाने के लिए। तो हम क्या करते हैं ब्रेड में एक फंगस डाल देते हैं, पहले से ब्रेड में एक फंगस डाल देते हैं, और उस फंगस का नाम क्या है, बेकर्स यीस्ट, अच्छे से याद कर लेना, बेकरी वाला यीस्ट, ठीक है, बेकर्स यीस्ट मतलब बेकरी वाला यीस्ट, बेकरी वाले इसी को यीस्ट को काम में लेते हैं। ये एक फंगस है, इसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, नाम याद कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बेकर्स यीस्ट क्या है, बेकरी वाले किस यीस्ट को काम में लेते हैं, तो ये यीस्ट जो है वो जाता है फर्मेंटेशन पर, और फर्मेंटेशन में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे जाएगा, ऑब्वियस बात है, पर इतना कोई एल्कोहल नहीं बन रहा जो तुमको इफेक्ट ही कर जाए कि खा के बिल्कुल नशा ही चढ़ गया, ऐसा नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी और इससे फूल जाएगा। और एक ये देखो ये फर्मेंटेशन सीओ टू, ये ब्रिविजेज है, पीने की चीज है, लेकिन इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड से फ्लफीनेस आ गई, बहुत सारी चीजें इस तरीके से बनाई जाती है। दूसरा है ये फंगस है, ठीक है, ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए है, जो बेकर्स यीस्ट है, याद रखना है, ठीक है, और ये बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए पुराने जमाने में या अभी भी बनाते कई जगह, उसमें भी सीओ टू झाग के लिए, ठीक है, झाग जो दिख रहे हैं उसके लिए, ठीक है, ये है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए की कॉलोनी, फंगस की कॉलोनी है, ठीक है, नेकेडाइस कॉलोनी देख सकते हो, और ये सिंपल सेल्स हैं, और फंगस में होता है बडिंग, भाई सैकेरोमाइसिस में बडिंग भी होती है, ये भी तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बडिंग हो रखी है, ये देखो ये इसकी मदर सेल है और ये इसकी बडिंग हो चुकी है, ठीक है, पर ये सैकेरोमाइसिस या यीस्ट जो है वो ऐसा दिखता है, बेकर्स यीस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, कई बार तुमने देखा होगा कि रखे रखे ही ना, रखे हुई कोई सामान ऐसे रखा हुआ ही है, ऐसे रख रखा है और उसमें ऑटोमेटिक फर्मेंटेशन शुरू हो गई, मतलब जैसे अपनों ने कोई खाने की चीज रखी और शाम तक खट्टी हो गई या खराब हो गई, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, खाने की चीज रखी बन के था ना, गर्मी है फ्रिज में रख दो खराब हो जाएगी, खटास आ गई ऑटोमेटिकली, तो फर्मेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, खटास आ जाती है, आपने कुछ नहीं डाला यहाँ, तो फिर भी हम डाल रहे हैं, चलो हमने कुछ डाल दिया, हमने यीस्ट डाल दिया यहाँ पर, या हमने यहाँ पर पहले से यीस्ट डाला तो हमने सीओ टू प्रोड्यूस करी, कई बार ऐसी प्रोड्यूस हो जाती है, रखे रखे सामान कुछ भी खट्टा हो जाता है, ठीक है, दूध भी अपने आप खट्टा हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है रखे रखे, तो ये सब आता कहाँ से कि रखे रखे हो गया, क्योंकि हम तो डाल नहीं रहे, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज कॉस्मोपोलाइटन, कॉस्मोपोलाइटन का मतलब क्या है, हर जगह मौजूद है, यहाँ आप ही खाने की चीज रख दो खट्टी हो जाएगी शाम तक खराब हो जाएगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली, तो ये जो एजेंट्स है ना फर्मेंटेशन के एजेंट्स, कौन कौन से हैं फर्मेंटेशन के एजेंट्स, बैक्टीरिया और यीस्ट, खास तौर पर यीस्ट या कोई फंगस मान लो, यीस्ट याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, ये फर्मेंटेशन के एजेंट्स हैं और ये कॉस्मोपोलाइटन है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर कहीं प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने पढ़ा ये था, तो घूमते रहते जैसे ही खाना दिखा उस पर अटैक कर दिया, तुम्हें थोड़ी दिखेंगे क्योंकि ये तो माइक्रोब्स हैं, नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, ठीक है। एक है हमारे बुक में जिसका नाम है टॉडी, टर्म है टॉडी, एक ड्रिंक है जो कि इस पाम जो है ना, ये कोकस न्यूसिफेरा, ठीक है, कोकोनट पाम, कोकस न्यूसिफेरा नारियल भैया, ठीक है, नारियल, इसके जो इसके अंदर का जो ये जो इसका लिक्विड होता है ना, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म पड़ा था, सेलुलर एंडोस्पर्म, या इसका वाटर जो होता है, वाटर, ठीक है, इस वाटर में फर्मेंटेशन करवाई जाती है, ठीक है, कोकोनट वाटर में, कोकोनट वाटर में फर्मेंटेशन करवाई जाती है, इस फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लेते हैं, एल्कोहल और क्या बनेगा, CO2, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो फर्मेंटेशन कराने के लिए क्या डालोगे भाई तुम, यीस्ट डालोगे, ठीक है, कोकोनट वाटर में फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट डालेंगे, पता नहीं लोकल लैंग्वेज में तारी बोलते, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को बात बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं है, रियल में तो नहीं देखा, ठीक है, तो कोकोनट वाटर में लेके उसमें यीस्ट डालते, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जाना है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं जाना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाना है, तो ये एक एल्कोहलिक बेवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या एल्कोहलिक बेवरेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये टोडी में एल्कोहल होता है, ठीक है, कितना 4-6% एल्कोहल होता है, और ऐसा माना जाता है कि 8% एल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज हो जाता है आदमी, ठीक है,
तो इसको फर्मेंटेशन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये टोडी एल्कोहलिक ड्रिंक है, फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये जो बहुत सारे बैक्टीरिया से हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, और बहुत सारा बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज तुमने देखी है, टॉम एंड जेरी वाली चीज, ये जो होल्स दिख रहे हैं तुमको, ये होल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, छेद भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, छेद हो गया, हवाई तो है, ठीक है, एक तरीके की एयर ही है। इस चीज का नाम है स्विस चीज, और कौन सी बैक्टीरिया से बनती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, शर्म वाला बैक्टीरिया है, इसको शर्म आती है। ये फर्मेंटेशन में जाएगा, ये जा रहा है फर्मेंटेशन में, और फर्मेंटेशन में वो इस CO2 बना रहा है, ठीक है, इस CO2 से ये चीज में खड्डे पड़ गए हैं, ठीक है। कौन सी है, स्विस चीज, याद रखना, कौन बना रहा है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। आज की क्लास ऑफ कर रही हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। होल्स जो हैं, होल्स बड़े बड़े देख लो, ये होल्स इसी वजह से हैं क्योंकि CO2 भर गई है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में गया। बैक्टीरिया का नाम आएगा भैया, ध्यान रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, रिलेटेड टू स्विस चीज, ध्यान रखोगे ये चीजें,